हरदोई से खबर सामने आई है, जहां विकास खंड कोथावा के संविलियन विद्यालय आटिया मजीगवां में प्रधान अध्यापक शिवमूर्ति त्रिपाठी और सहायक अध्यापक सत्यन सिंह के बीच उपस्थिति को लेकर बखेड़ा खड़ा हो गया। विवाद के संदर्भ में जानकारी देते हुए स्कूल के प्रभारी इंचार्ज शिवमूर्ति त्रिपाठी ने बताया कि सहायक अध्यापक सत्यन सिंह की BLO ड्यूटी लगी हुई है। ऐसे में हाजिरी रजिस्टर में BLO लिखकर महीनों से गायब रहे हैं। कभी कभार स्कूल आने पर रजिस्टर से BLO मिटाकर अपने हस्ताक्षर कर देते। उन्होंने ऐसा करने से मना किया तो सहायक अध्यापक उन्हें रिटायर्ड फौजी बताकर अभद्र भाषा में गाली गलौज करते हुए जेल भिजवाने की धमकी देते रहे। वहीं प्रधान अध्यापक शिवमूर्ति त्रिपाठी द्वारा सहायक अध्यापक सत्येंद्र सिंह पर लगाए जा रहे आरोपों पर शिक्षा मित्र नम्रता सिंह व संतोष कुमार ने भी गवाही रूप में दी है। इसकी शिकायत BU से लिखित रूप में की गई है। गाली गलौज का क्या मामला है गुरु जी? सर, मैं यहाँ पे प्रधानाध्यापक पद पे कार्यरत हूँ सम्मिलन विद्यालय अठिया मजिगवां में। मैं प्राइमरी का प्रधानाध्यापक हूँ। सम्मिलन विद्यालय हो जाने के कारण पूरा चार्ज इस समय मेरे पास है। हमारे जूनियर विद्यालय में श्री सत्येंद्र कुमार जी सहायक अध्यापक पद पे एकल अध्यापक कार्यरत हैं और इस समय BLO ड्यूटी भी कर रहे हैं। सर, लगभग एक महीने से उनका एक रवैया है कि एक दिन आना, दो दिन BLO लिख देना और आकर के जो उसमें BLO लिखते हैं हस्ताक्षर वाले पे उसको मिटा करके उस पर सिग्नेचर कर देते हैं। सर, आज मैंने उनसे कहा कि आप दो सोमवार और मंगलवार दो दिन आप नहीं आए हो और पहले भी नहीं आते हो और ये सब कटिंग करते हो, तो उन्होंने हमसे कहा मैं कटिंग नहीं करता हूँ और ये कटिंग किसी ने दूसरे ने की होगी। तो मैंने कहा यार आप झूठ बोलते हो भाई साहब, आप तो हमसे बहुत सीनियर हैं। तो कहा मैं तो रिटायर्ड फौजी हूँ, मैं आपको नौकरी करना सिखा दूँगा, जेल भिजवा दूँगा और जो आप गोलमाल करते हो MDM में। तो मैंने कहा MDM पानी का पानी दूध का दूध हो जाएगा, जब भी जाँच होगी उसका सब पर्दाफाश हो जाएगा और आप सहायक हैं यहाँ पर, आप काम करिए। तो उन्होंने हमसे कहा कि आप जाइए, आप प्राइमरी के टीचर हैं, आप यहाँ नहीं, हम कल अपना रजिस्टर बनाएंगे, अपना सिग्नेचर करेंगे और दो तीनों रजिस्टर हमको दे दीजिए, कक्षा 6, 7, 8 के मैं हाजिरी भरूंगा। हमने कहा ठीक है, मैं जब तक आप डिप्टी से बात कर लीजिए और आपको मैं पूरा चार्ज दे दूंगा। और मैंने कहा आप सिग्नेचर नहीं करेंगे और उन्होंने आज भी यथास्थित आज के सिग्नेचर किए, कल के किए, परसों के किए और कल 15 तारीख उसमें लिख दिया कि BLO डिपार्टमेंट कार्य के लिए। तो मैंने कहा BLO डिपार्टमेंट लिखते हो तो BLO डिपार्टमेंट ही लिखिए, आप सिग्नेचर मत करिए। क्या कहीं शिकायत की मामले की? हाँ, आज मैंने मौखिक रूप से मैंने 2 बार खंड शिक्षा अधिकारी को श्री अजीत प्रताप सिंह जी को बताया है, तो उन्होंने आज मैंने लिखित भी दे दिया है। और जब हमने कहा कि अब आपकी शिकायत करेंगे तो उन्होंने अब शब्दों का प्रयोग करते हुए कहा कि आपको जो भी उखाड़ना हो मेरे उखाड़ लेना। क्या आश्वासन मिला? तो खंड शिक्षा अधिकारी मौके पर आए थे और उन्होंने हमारी एप्लीकेशन ले ली है और कहा है कि हम दूसरे उससे भी जांच करा लेंगे किसी खंड शिक्षा अधिकारी से और उस पर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। क्या मांग करता है? सर, या तो मुझे यहाँ से हटा दिया जाए, मैं मानसिक रूप से यहाँ बहुत परेशान हो चुका हूँ, BP और शुगर दोनों हो गए हैं जब से ये आए हैं। इनकी रवैया आज से नहीं, जब से तीन साल से हैं यही इनका हाल है। जब भी कोई आता है विद्यालय में, बच्चे आ जाएं तो मुर्गे आ गए, ना आए तो हेडमास्टर की जिम्मेदारी, बच्चे ना आए तो जिम्मेदारी। आज तक कोई कार्य इन्होंने हमारे विद्यालय संबंधी कोई कार्य नहीं किया है, यदि कोई पढ़ाना लिखाना छोड़ो, कोई कार्य ही नहीं किया है। इनको ये नहीं पता है, खाली अटेंडेंस भर देंगे और जो बच्चे आए हैं। में अध्यापकों के बीच में गाली गलौज का एक मामला प्रकाश में आया है, क्या है पूरा मामला? सम्मिलियन विद्यालय अटिया मजगवा में जानकारी प्राप्त हुई थी, प्रधानाध्यापक ने बताया उनके और सहायक अध्यापक के बीच में जो है उपस्थिति के लेकर कुछ वाद विवाद हुआ था और फिर मैं मौके पर भी गया था, सहायक अध्यापक मिले नहीं। BLO में आधार कार्ड के एकत्र करने हैं तो उनके द्वारा वहाँ दर्शाया गया है और मैंने उन लोगों से बयान लिया, अलग अलग जो भी शिक्षा मित्र हैं, अन्य स्टाफ जो उसमें उपलब्ध था, अभी संबंधित शिक्षक का जो है बयान नहीं उपलब्ध हो पाया है, तभी फिर जो जाँच मतलब कम्प्लीट होने के बाद ही निष्कर्ष पर हम पहुँच सकते हैं। सर, आप गए भी थे जाँच जी? हाँ, अभी मैं वहीं से आ रहा हूँ, उनके द्वारा सूचना दी गई थी कि मैं सीधे वहीं गया जो है विद्यालय से ही आ रहा हूँ। तो जांच में सर क्या पाया? जांच में अभी सभी लोगों ने अपना पक्ष दिया है, शिक्षा मित्र ने भी अपना पक्ष रखा है, जो प्रधानाध्यापक है उन्होंने रखा है कि BLO के नाम पर विद्यालय से बाहर जाते हैं, तो BLO का भी दायित्व उनको दिया गया है, वो भी तय समय में कार्यक्रम है। अब इनसे जो है इनका पक्ष ले लिया जाए तभी कंक्लूड कर सकते हैं उसको।